गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू गाइज? आज है 5th of March, आई थिंक, यस 5th of March, और मॉर्निंग में 7:10 हो चुके हैं। हम निकल रहे हैं आज वृंदावन दर्शन के लिए कृष्ण जी के, और ट्रिप कैसी रहेगी आपको बताएंगे पूरा। एंड हम जा रहे हैं अपनी स्कोडा स्लाविया के अंदर, सो यू कैन सी। और पूरी ट्रिप के अंदर क्या रहा, हम कहाँ कहाँ पे हम रुके, और हम लोग कैसे गए, कितना रास्ता है, क्या किलोमीटर्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एंड फिर देखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं आपको पूरे ट्रिप में। प्लीज़ वॉच द वीडियो इन फुल और कमेंट्स करके बताइएगा इन केस यू आर ऑल्सो प्लानिंग। थैंक यू। जीरो कर देता हूँ और विल सी कि हमने कितने किलोमीटर्स कवर करे हैं, क्या हमारी स्पीड रहेगी, वो सब चेक करेंगे, और क्या हमारा कंजम्पशन रही है और क्या हमारी एवरेज निकली है, वो सब चेक करेंगे। सो बी ऑन द ट्रिप गाइस, वॉच द वीडियो, पूरा देखिएगा पूरा वीडियो, एंड सी यू। ऑलराइट गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से निकल चुके हैं हम। तो अभी हमें दिखा रहा है ये 2 घंटे 12 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे वृंदावन। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल वेदर है और धूप अच्छी निकली हुई है, बट थोड़ी ठंड हो गई है, बीच में गर्मी आ गई थी, अब वापस से ठंड हो गई है। सुबह सुबह तो ठंड हो गई, अब देखते हैं बाकी कैसा रहता है दिन का सफ़र, आपको अपडेट करेंगे। फ्यूल हमने अपडेट करा लिया है, 20 लीटर ऑलरेडी था, 20 लीटर और फिल करवा लिया है। ऑलराइट गाइस, और अब हम चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और बीइंग अ ट्यूसडे आज रोड्स भी काफ़ी खाली मिली और ट्रैफिक भी बड़ा कम रहा, तो आई थिंक हमें सिर्फ 15-20 से 25 मिनट लगे हमें इस अपने घर से यहाँ तक आने के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल वेदर है, मॉर्निंग अच्छी है, धूप निकली हुई है, और हमारी गाड़ी अभी बस क्रॉस करती जा रही है। मज़ा मुझे स्कोडा स्लाविया ड्राइव करने में आता है ना, वो मैंने जितनी भी कार थी मेरे पास, चाहे वो होंडा सिटी रही है या बीच में हमने ऑल्टो भी ली हुई थी, तो जो ड्राइविंग प्लेजर मेरे को स्कोडा स्लाविया में मिला है, वो मेरे को किसी भी गाड़ी में आज तक नहीं मिला। लाइट्स की इतनी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आप अगर लॉन्ग अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपको अच्छा लगता है, तो आई थिंक स्कोडा स्लाविया से बेटर और कोई गाड़ी है ही नहीं। मतलब जो एक परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी को चलाने का, जो एक मज़ा आता है, वो मुझे स्कोडा स्लाविया में ही है। जो एक स्कोडा स्लाविया यूज़र है वो ही अपने एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं कि जो ड्राइविंग का मज़ा स्कोडा स्लाविया का है वो और किसी गाड़ी में नहीं है। इसकी जो परफॉर्मेंस है अमेजिंग, मतलब जो ये भागती है हाईवे पे, और मेरा मानना है कि स्कोडा स्लाविया सिटी के लिए बनी ही नहीं है, ये बनी है सिर्फ अपने हाईवेज के लिए, इसको जितना भगाओ उतना कम, आपने बस कंट्रोल रखना है अपनी गाड़ी के ऊपर, ये आपको अमेजिंग जर्नी एहसास दिलाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस, हमने ले लिया अपना पहला ब्रेक शिवा ढाबा पे, जो पहला अपना टोल पड़ता है जेवर वाला, उसी से बस बिल्कुल लेफ्ट होती है। तो अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 63 किलोमीटर्स, और एवरेज कंजम्पशन दिखा रहा है 14 की, और अभी हमारे पास जो फ्यूल है वो 450 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 1 घंटा 2 मिनट। 63 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, एवरेज स्पीड हमारी 61 है, तो चलते हैं अब आगे।
फिर हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है और क्या रहा है हमारी जो एवरेज रही है कुछ 13.4 किलोमीटर पर लीटर की और 3 घंटे 36 मिनट हमने गाड़ी चलाई है। 278 किलोमीटर हमने कवर किए और 77 की हमारी एवरेज स्पीड रही है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।